हेलो टू एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। आज हम आए हैं सुंदरनगर बाईपास से, जो हमारा 4 लेन नेशनल हाईवे बन रहा है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और जितना भी काम यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है और जितना भी कम्प्लीट हो चुका है, उसकी सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका रूट मैप आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा, जहाँ पर डिस्कस किया था मैंने कि ये जो पूरा पाथ जो सुंदरनगर एरिया को बाईपास करके जो सुंदरनगर झील के पास से जाएगा, उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन की आप एक पर्टिकुलर वीडियो देख लेना। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कम्प्लीट रूट मैप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो है दोनोटो ब्रिज के पास से जो अभी स्टार्टिंग की हमने इस पर्टिकुलर वीडियो की, और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के साथ भी जो है इसकी लिंकिंग हुई भी, जो हमारा 4 लेन के साथ कनेक्टिविटी है इसकी, जो सुंदरनगर को बाईपास करके वहाँ से इसका कनेक्शन होगा, उसकी डिटेल आपको लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगी कि कहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी होगी। और यहाँ पर जितना भी काम अभी चल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन और साइट विजिट के वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने भी टनल्स ब्रिजेस का काम चल रहा है, जियो टनल पे भी मैंने साइट विजिट का वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। और जितना भी अपडेट वहाँ की है, जितना भी काम कम्प्लीट हो चुका है, तो वहाँ पर आप वो देख सकते हैं। और ये क्रशर प्लांट, यहाँ पर जो है मटेरियल्स वगैरह रेडी किया जाता है, जितना भी हमारा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए होता है, वो यहाँ से ही क्रशर प्लांट से साइड तक पहुँचाया जाता है। फट के पास में ये एरिया है जहाँ से जो है मटेरियल लिया जाता है। और आगे हम अपोजिट साइड में, जहाँ पर बीच में खड़ थी, तो इसलिए अपोजिट साइड से शूटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जितना भी काम हो चुका है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैक्सिमम वर्क भी बेड का फिलहाल कंप्लीट है, और इसके ऊपर भी जो सब ग्रेड का काम मैक्सिमम कंप्लीटेड है, सब बेस और बेस कोर्स, देन उसके बाद बिटुमिन का काम उसके ऊपर किया जाएगा। और ये शीतला माता मंदिर के पास से जो हमारा नेशनल हाईवे जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शीतला माता मंदिर का बोर्ड है, और इसे जब 4 लेन नेशनल हाईवे जाएगा। और ये हमारा ओल्ड पाथ जिसे कोई फॉलो करते हैं। ये सामने वाला रोड है शीतला माता मंदिर की तरफ, और ये हमारा 4 लेन का पाथ जो भी कम्प्लीट होने के बाद जो है इसी पाथ से जो हमारा ट्रैफिक पास होगा सुंदरनगर एरिया को बाईपास करके, वाया सुंदरनगर झील और सीधा धनोटू ब्रिज को नहर के पास, उसकी कनेक्टिविटी होगी। और लास्ट में इसके वीडियो के लास्ट में आपको एक वहाँ पे पॉइंट दिख जाएगा, जहाँ पर जो इसकी 4 लेन का कनेक्टिविटी होगी, जो सुंदरनगर झील के पास से जो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने से उसका कनेक्शन होगा, जो हमारा ब्राउनफील्ड नेशनल हाईवे है वहाँ से जो इसको कनेक्ट किया जाएगा। और जितनी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, इसको ग्रीनफील्ड हाईवे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। ग्रीन फील्ड इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो टोटली फ्रेश 100% जो है फ्रेश कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, तो इसीलिए इसको जो है ग्रीन फील्ड हाईवे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बना रखी है, उसकी डिटेल जैसे कि आपको ग्राउंड फील्ड और ग्रीन फील्ड के बारे में नहीं पता, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्राउंड फील्ड ग्रीन फील्ड, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये ब्रिज का काम चल रहा है यहाँ पे,
और ये सुंदरनगर झील है, अपोजिट साइड में आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आगे आपको आगे आने वाली बिल्डिंग आपको क्लियर कर दिया जाएगा, जो सुंदरनगर गेट के पास से भी हमारा नेशनल हाईवे जाएगा। ओल्ड पाथ था, यहाँ से कनेक्टिविटी है इसके नेशनल हाईवे के साथ। जो भी हमारा नेशनल हाईवे का बेड जो है मैक्सिमम प्रिपेयर्ड है यहाँ पर, जिसको सब ग्रेड के नाम से जाना जाता है। इसमें सब ग्रेडिंग की गई है, सबसे पहले इसके ऊपर जो है मटेरियल बिछाने से पहले इसको सब ग्रेड किया जाएगा, एक लेवल पर लाया जाएगा। दैन उसके बाद जो इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करके इस पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम दैन किया जाएगा। और ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जो मैक्सिमम वर्क कंप्लीटेड है सब ग्रेड का वो यहाँ पे हो चुका है। और इसके सामने आप देख सकते हैं जो सुंदरनगर झील है, उसके व्यू भी आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो सुंदरनगर झील है, ये इसके ऑपोजिट साइड से जो हमारा नेशनल हाईवे जाएगा। और ये हमारा ओल्ड पाथ था जिसको फॉलो करते हैं मैक्सिमम। और ये कंप्लीट रूट मैप इस प्रोजेक्ट का, और आगे आने वाली वीडियोस में जो है इसके आगे जितना भी हमारा फोर लेन नेशनल हाईवे का पाथ होगा, जो सुंदरनगर झील इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज तक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर वीडियो में देखने के लिए मिल जाए। और इसकी रूट मैप के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए हो तो एक पर्टिकुलर वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये है हमारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने, जो कि जहाँ से जो है कनेक्टिविटी होगी, जितना भी रूट मैप मैंने आपको दिखाया उसकी कनेक्टिविटी जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से होगी। और इसी से आगे जो है हमारा फोर लेन नेशनल हाईवे जाएगा, सुंदरनगर एरिया को बाईपास करते हुए, सुंदरनगर झील से होता हुआ डायरेक्ट धनोटू से उसकी कनेक्टिविटी होगी। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हाईवे प्रोजेक्ट्स की देखने के लिए मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।